Hello everyone, welcome back to the channel of NCERT Law Academy. So today we are going to do class 7 science chapter 5, acid, bases and salt. The chapter is related to chemistry and this is session 1 of this chapter. The topic which we are going to cover are introduction, acid, bases and salt and indicators and their type. In next video we will cover this indicator and salt, but we are going to cover introduction, acid, bases, because these three terms, acid, bases, salt, more important. And this chapter will again come in class 9th and 10th and can come in boards. The topic which we're gonna teach will be reminding you in the further classes, but if you're learning today, agar aap wo cheezo aaj hi seekh lenge, then they are gonna help you in the बोर्ड एग्जामिनेशन, वो आपको सब हेल्प करेंगे. और साथ ही साथ इसमें ओलंपियाड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हायर स्टैंडर्ड में जाना ही पड़ेगा उसके लिए आपको. तो लेट अस स्टार्ट, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं. सब्सटेंस, व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस होता है कि एक सिमिलर काइंड के एटम से बना हुआ, या तो सब्सटेंस होगा जो एक ही काइंड, मतलब कि अगर वो कार्बन का एटम है, कार्बन का, आई एम सेइंग कार्बन, यस, अगर वो एक कार्बन का एटम है तो उसके अंदर कार्बन के ही सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. लाइक कार्बन का क्या होता है फॉर्मूला? सी, सी इसका फॉर्मूला है. अब इसके अंदर सारे जो एटम्स होंगे वो सब इसी के होंगे, लेकिन वहीं अगर वो एक मिक्सचर है और वो ज्यादा काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है तो उसके अंदर उसके भी अलावा बहुत सारे काइंड के एटम्स होंगे. जैसे कि H2O, अब इसके अंदर कितने, ये आपका हो जाता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड. तो ये आपके अंदर इसका H2 है और एक O1 है, मिक्सर है ये दोनों, क्योंकि इसके अंदर एक तो पहले से हाइड्रोजन का एटम है विच इज डाई हाइड्रोजन एंड देन ऑक्साइड का एटम है. दिस इज नॉट ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्साइड. ऑक्सीजन आपका ये होता है, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट. इसके अंदर होता है आपका सिमिलर काइंड ऑफ एटम, यानी कि इसे आप एलिमेंट्स भी बोलते हैं और आप इसे पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, लेकिन अभी आप जान लीजिए एलिमेंट्स के बारे में. ICSE में भी इसके कवरिंग है, लेकिन हम अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो चैप्टर हम करवा देंगे. एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होते हैं आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये तीन प्रकार के होते हैं आपके एलिमेंट्स. जैसे आपका मेटल क्या होगा? गोल्ड, गोल्ड इज अ मेटल. नॉन मेटल यू कैन से कार्बन, कार्बन इज नॉन मेटल. मेटलॉइड्स, वी विल लर्न अबाउट दीज थ्री इन द हायर स्टैंडर्ड इन 8th क्लास, एंड इफ यू वॉन्ट दिस टॉपिक वीडियो वी विल डू इट, बिकॉज दिस कैन बी अ न्यू थिंग फॉर यू. आपने 6th में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया होगा ब्रीफ. वी हैव मेड इट अ वीडियो, यू कैन से सब्सटेंसेज विच वॉज रिलेटेड टू दिस, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. बट मेड up of more than one kind of atom means ratio is fixed here. Ratio is fixed here. But in the mixture, जो आपका mixture होगा उसके अंदर ratio fix ही रही होगी. और ये आपकी तीन category के अंदर divided होता है. कौन कौन सी तीन category? पहला तो आप सभी जानते हो, ये पहली कैटेगरी है एसिड, जिसे आप अभी पढ़ेंगे. फिर दूसरी कैटेगरी है आपकी बेसिस, जिसे अभी आपका एक इंट्रोडक्शन होने वाला है. फिर तीसरी कैटेगरी है आपकी सॉल्ट, जो अब आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. सो एसिड के साथ स्टार्ट कर देते हैं. सब्सटेंस विच हैव सार टेस्ट, जिनका टेस्ट सार होता है, सार मीन्स खट्टा. इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक. एसिड है, केमिकल नेचर भी एसिडिक है. और बहुत से बच्चों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा भी होगा, इफ दे विल बी इन अ गुड
नॉलेजेबल थिंग कि एसिड बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन कुछ एसिड आपके हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होते हैं, वो अभी आप पढ़ेंगे। ये गिव करते हैं H+ ions। आयोन्स क्या होते हैं? आपके रेडिकल्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है आयोन्स के बारे में, आयोन्स दो प्रकार के होते हैं, कैटायन एंड एनायन, दो प्रकार के होते हैं आयोन्स। एंड ये आपके जो एक एसिडिक एनायन होता है और एक बेसिक एनायन होता है, उसी को आप एनायन और कैटायन भी बोलते हैं। तो अभी आप पढ़ेंगे इनके बारे में ब्रीफ, बट वी आर गोना स्टडी अबाउट एसिड ओनली, इतना हम नहीं पढ़ेंगे अभी। सो लेट अस स्टार्ट। ये गिव करते हैं हाइड्रोजन आयोन्स, HK+ ions। अभी आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन का सिंपल H+ होता है। ये एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव H+ ions इन व्हेन मिक्स्ड इन वाटर। सो विल आंसर H, हाइड्रोजन। आई एम सीइंग हाइड्रोजन, यू विल आंसर एसिड। ओके, द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एकड, दिस मीन्स सार। एकड़ का मतलब होता है सार। ये वो वाला एकड़ नहीं जो आपका यू आर सीइंग दैट मेनी पीपल्स आर सेइंग 10 acre 20 acre, दैट इज नॉट एकड़, दिस इज एकर, विच इज मीन्स सॉर। लैटिन वर्ड में आप इसे बोलेंगे एकर, विच मीन्स सॉर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये जो अभी आपने ऊपर पढ़ा H प्लस, इससे पहले कि नेक्स्ट टॉपिक की ओर आप जाएं। ये आपका HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने पढ़ा था आपके स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत डिस्ट्रक्टिव एसिड होता है, आपका पूरा खाना डाइजेस्ट कर देता है A to Z, जो आप जंक फूड एनीथिंग यू ईट इट डाइजेस्ट कर देता है, तो बहुत खतरनाक एसिड हुआ ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसे। आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैनी स्टूडेंट कांट राइट द नेम, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, अब जब आप इसे वाटर के अंदर डालोगे तब ये कैसे आयोन्स देगा? H+ ions देगा हाइड्रोजन के। इसके अंदर हाइड्रो है, हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोराइड है, तो ये क्लोराइड के नेगेटिव आयोन्स देगा क्योंकि वो एसिडिक है, और H+ के पॉजिटिव आयोन्स देगा। ये अभी आप जो आयोन्स पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, बट आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने बताया। विथाउट फर्दरिंग डिले लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, एसिड्स। अब ये एसिड्स क्या होते हैं? अभी आपने पढ़ लिया अब ये एसिड्स क्या होते हैं, अब हम देखते हैं कि एसिड्स कितने टाइप होते हैं। मैनी थिंग्स दैट आई एम टीचिंग विल बी नॉट इन योर एनसीईआरटी बुक, will be, can be in ICSE, but the thing is कि ओलम्पियाड्स में तो ICSE and CBSE दोनों का कवरेज आता है, वहाँ पर लिखा होता है CBSE only, but the coverage thing is कि उसके अंदर high level के concepts आते हैं, और high level concept ICSE में बहुत सारे हैं, that's why I have added that thing here. और organic acid and inorganic acids are the type of acids, there are two types. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक इज नेचुरली अकरिंग एसिड, ये आपके नेचुरल एसिड्स होते हैं, ये इसलिए बहुत वीक होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड। बहुत लोग विल बी थिंकिंग कि नेचुरल है तो बहुत स्ट्रांग होगा, नहीं। आपका एक, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल विच यू हैव रीड इट, कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड होता है उसके अंदर, बहुत एसिड्स होते हैं, बट आई एम गिविंग ऑन एग्जाम्पल, अभी जितना आपने पढ़ा होगा, अभी तो आप और भी पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू साइट्रिक एसिड होता है उसके अंदर, और वो आपका नेचुरल एसिड होता है। आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करता है, कोई भी डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करेगा वो, आप तो उसे खाते हैं। मैंने स्टूडेंट्स
I have seen that they lick the lemon if they have deficiency of vitamin C. But I'm not gonna say that anything. So weak acids होते हैं आपके और ये generally derived होते हैं plant से derived होते हैं, मतलब कि आपके plants का जो भी thing होगा, stem, fruit, flower, anything, वो इसमें होगा आपका. Next is inorganic acid. नाम ही से पता चल रहा है inorganic है, यानी कि ये natural नहीं है. कि आपके मिनरल एसिड्स होते हैं इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ये मिनरल से निकलते हैं जो आपके अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनी मिनरल. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स ऑल एसिड्स आर कैरोसिव. एज आई हैव सेड यू, दे आर द थिंग दैट कॉज डिस्ट्रक्शन इन नेचर. They turn moist blue litmus paper into red. Litmus paper आपका एक indicator होता है, एक indicator होता है जिसे आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे, but I have given you example. अगर आपका वो blue litmus paper होगा तो वो आपका red के अंदर change हो जाएगा. जैसे इसके अंदर ये acid में अगर आप उसको डालोगे या उसके ऊपर एक acid डालोगे तो वो red में change हो जाएगा. लेट मी, ये आपका ब्लू लिटमस पेपर और ये आपका रेड लिटमस पेपर. दो लिटमस पेपर होते हैं. अगर वो ब्लू से रेड हो रहा है मीन्स एसिड है. ब्लू से रेड हो जाता है अगर उसका कलर, वो एसिड है. अगर वो रेड से ब्लू हो जाता है वो बेसिक है. आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि बी का मीन्स ब्लू, बेसिक से ब्लू बेसिक होगा तो ब्लू हो जाएगा. एंड ए से आप बस बेसिक ब्लू से याद रखेंगे तो आपका ए अपने आप याद हो जाएगा, रेड हो जाएगा. नेक्स्ट इज दे आर गुड सॉल्वेंट. ये बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, मीन्स अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं. रिमेन्स कलरलेस इन फिनोप्थिलीन. फिनोप्थिलीन आपका एक और इंडिकेटर होता है, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर. आप ये भी जान लीजिए लिटमस पेपर होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर. रिमेन्स कलरलेस इन फेनोप्थिलीन. फेनोप्थिलीन होता है आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर. And if you are getting bored, I am asking a simple question to you all guys. एक simple और बहुत easy question जिसे आप answer करेंगे तो means you are learning the concept. और please rewind the video and again learn that concept. First question is, when acid is mixed with water, which ions are given by acid? If your answer is H plus ions and it's hydrogen, then you are correct. And if your answer is anything else, please go through the video again and check your answer. Okay, all acid convert methyl orange to red. Methyl orange bhi aapka kya hai? Ek artificial indicator hai. ये आपका मिथाइल ऑरेंज रेड में हो जाता है जब इसके अंदर एसिड जाता है. तो अभी आप बहुत कुछ अभी पढ़ना है आपको इंडिकेटर्स के बारे में, बट हियर ओलंपियाड कॉन्सेप्ट है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एनीथिंग इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी टेलिंग यू और आई विल मेक अ वीडियो इफ पॉसिबल. Aqueous solution of acids are conductor of electricity. Electricity क्या होती है? The flow of electrons in the atom. जब भी atom के अंदर flow होता है electrons का, वो acid conduct, वो conduct करने लगता है atom. वही होता है आपका atoms के अंदर, acids के अंदर. Acids आपका जब इस water के साथ mix होता है तो बहुत ही अच्छा एक conductor बन जाता है electricity के साथ. So, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है.
HCl. HCl क्या होता है आपका? अगेन नो, फर्स्ट यू आंसर, आई विल टेल इट लेटर ऑन. HCl आपका क्या है? इट इज एसिड, यू ऑल नो. बट इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आई एम सेइंग, व्हाट इज केमिकल नेम? इफ योर आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू आर करेक्ट. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन एसिड एक्वस सॉल्यूशन, जो भी आपके आयन्स प्रेजेंट होते हैं एसिड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, हेल्प करता है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन के अंदर. ओके, ये आपका एक एग्जाम्पल था, तो मैं इसे बॉक्स में रख देता हूँ, वरना आप लोग सोचेंगे कि दैट इट इज लाइक, वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड. ये आपका एक एग्जाम्पल था, बाकी सब ये सब आपके पॉइंट्स जो भी ब्लू से लिखे हुए हैं, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. हर एक लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, रिएक्शन ऑफ बेस, व्हेन दे रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सॉल्ट के साथ, जिससे ये फॉर्म कर सके सॉल्ट प्लस वाटर, और इसे आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट आई एम सेइंग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, आई एम अगेन टेलिंग द स्पेलिंग, न्यूट्रल. आप एक तो पहला वर्ड है आपका न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, जेड. प्लीज गो थ्रू द स्पेलिंग. और रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्शन, रिएक्शन. ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से दिया हुआ है, सो लेट मी डू इट इन द बॉक्स, अदरवाइज यू ऑल विल बी सेइंग. जब भी एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, यहां पर एक बेस आया है, जिससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है इसके अंदर पहला एक टर्म Na, ये किसका फॉर्मूला है? आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर, इफ यू आर गोइंग टू दिस वीडियो, मेक अ स्टार 1 एंड राइट द आंसर. आई थिंक सो यू हैव रिटन द आंसर. द आंसर इज सोडियम, ये आपका सोडियम है. Na यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? सोडियम. ऊपर भी मैंने आपको बताया था जब आपने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था. तो HCl है आपका एसिड, और ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड. कैसे? साइड, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड. आई एम अगेन राइटिंग अबव सो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड एनीवेयर. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन दे आर मिक्स्ड दे फॉर्म टू थिंग्स, दो थिंग्स बनते हैं इसके अंदर, सॉल्ट प्लस वाटर, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा. इट इज सॉल्ट, ये एस की तरह दिख रहा है, लेकिन इट इज सॉल्ट. NaCl आपका सॉल्ट. अब ये NaCl, ये नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम क्लोराइड. ऊपर भी मैंने बताया था Cl आपका क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, सोडियम क्लोराइड. एंड दिस H2 इज वाटर, सो लेट मी जस्ट ब्रिंग इट डाउन समवेयर. सो ये ऊपर वाले टॉपिक से थोड़ा मिक्स ना हो जाए. Okay, I don't think so. You will be having any doubt now. अब हम थोड़ा और लिख लेते हैं इस एसिड के बारे में. Here some points are missing. Then हम एसिड एंड देयर टाइप्स पढ़ेंगे.
So let me write some points here. किसे सिलेक्टेड है एक, ये थोड़ा एक अलग टॉपिक है, सो आप इसे प्लीज अच्छे से समझिएगा. ये आपका टेंथ में बहुत ही आएगा, बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ फॉर योर बेनिफिट ओनली. विच इज पीएच, so what is this pH, let us tell you. Its full form is potential of hydrogen. Potential of hydrogen is this formula. Potential of hydrogen. This is an universal indicator. And best indicator. यूनिवर्सल तो है और साथ में बेस्ट इंडिकेटर है. इसका जो पीएच रेट होता है, आपने सुना होगा अगर आपको कहीं ऐसी जगह गए हो जहां पर थोड़ी केमिस्ट्री या केमिकल होते होंगे, और योर फादर इज वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट और योर मदर, सो आपने वहां पे सुना होगा पीएच से कुछ रिलेटेड टर्म होते हैं, वही है ये पीएच. सब इसके अंदर आपको देख लेते हैं. इसका एक लाइन होता है, लेट मी फॉर्म हियर. इसका एक स्केल होता है. 7 इज न्यूट्रल, 7 यहां पर न्यूट्रल होता है. ये वाला आपका पूरा रेंज होता है एसिड का, 0 से लेकर 7 तक. इधर होता है आपका 14, और इधर आपका पूरा रेंज होता है बेसिस का. आप बेस के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पे हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 to 6 इज फॉर एसिड, देन 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 to 14 is for base, ठीक है. यह आपका एक टेबल होता है पीएच का, और हर एक के लिए डिफरेंट कलर होते हैं. यहां पर 7 आपका न्यूट्रल होता है. जो भी चीज 7 के पास होगी या 7 होगी वो न्यूट्रल होगी. लाइक 6.8, ये एक एसिड है लेकिन ज्यादा न्यूट्रल है. लाइक 7.1 बेस के पास तो जा रहा है लेकिन ये न्यूट्रल है. अब इसी का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ एसिड. इन एग्जाम्पल ऑफ एसिड ये हो जाएगा आपका, ये आएगा आपका रेट किसके बीच में, 0 to 7 के बीच में. अगर आपका ये रेट 0 to 7 के बीच में आ रहा है, लेट मी राइट हियर. एंड इफ यू आर थिंकिंग फॉर कलर, देन आपका जो न्यूट्रल का कलर होता है वो ग्रीन होता है, बेसिस का आपका ब्लू वायलेट का कलर होता है, और आपका एसिड का थोड़ा रेड एंड येलो का कलर होता है. सो लेट मी राइट हियर. जीरो टू सेवन रेट इज फॉर एसिड,
जीरो टू सेवन का रेट आपका एसिड के लिए होता है, सेवन इज फॉर न्यूट्रल, सेवन आपका न्यूट्रल के लिए होता है. देन एट टू फोर्टीन इज फॉर बेसिस, ये आपको याद रखना है. सॉरी हियर आई हैव रिटन जीरो टू सेवन, इट शुड बी जीरो टू सिक्स. आई हैव नॉट सीन इट बट आई हैव रिटन इट, लेट मी जस्ट करेक्ट इट. जीरो टू सिक्स, जीरो टू सिक्स. सो इसका कलर हो सकता है रेड, ऑरेंज, येलो. इसी के अंदर इसका कलर होगा, इसका कलर हो सकता है आपका ओनली ग्रीन, इसका कलर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही होगा. देन एट टू फोर्टीन, एट टू फोर्टीन का आपका ब्लू वायलेट कलर होगा, ब्लू स्काई ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन स्काई ब्लू, ब्लू वायलेट, यही है इसके कलर्स. अब इन तीन कलर्स के अंदर ये मिक्स इन होता है. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बट हियर द स्पेस इज नॉट टू मच, सो लेट मी ड्रैग दिस हियर. So let us take an example. Like एक है आपका सब्सटेंस जिस एसिड के अंदर ही ले रहे हैं, अभी बेस तो हमने पढ़ा नहीं, जो हम उसके अंदर जाएंगे और वो आपके लिए थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा, तो एसिड ही के अंदर ले रहे हैं. एग्जाम्पल है, एक सब्सटेंस है आपका जीरो का और दूसरा है सेवन का, जीरो और सेवन का है. सो आपका जीरो और सेवन कौन ज्यादा एसिडिक होगा, विच इज मोर एसिडिक? एब्सोल्युटली जीरो. अभी एसिडिक का कंपैरिजन कर रहे हैं. वन और टू कौन ज्यादा एसिडिक होगा? वन, ये ए सब्सटेंस है, ये बी सब्सटेंस है. आई शुड राइट हियर मोर एसिडिक वन. As it has more H plus ions, I should write it as H plus ions. इसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन के आयोन्स होंगे, टू के अंदर उतने आयोन्स नहीं होंगे, और ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होगा. Destructive. So start two question. Again 10 second the time to answer from this potential hydrogen only. If Sema has a substance which is a acid that is in your stomach. I am not giving any hint, which is in your stomach. A base is added there, a base is added there, then the reaction will have the pH of your time starts now. If you have no more time, you can pause the video and answer it. Please don't do cheating. Your times have been up. If your answer is neutralization, reaction is happening and the pH will be 7, then you are correct. Or it will be at 6 to 7, you are again correct. आपको मैंने भी पढ़ाया कि ये 7 न्यूट्रल होता है. जब भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एसिड का
और बेस का, तब वहां पर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा, तो आपका सब्सटेंस न्यूट्रल हो जाएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं हम, और इसी के साथ अभी एक और पॉइंट ले लीजिए, फिर हम एसिड एंड देयर टाइप्स पढ़ के थोड़ा बेसिस भी कवर कर ही लेंगे इफ पॉसिबल। ये मैं अभी आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये पीएच थोड़ा अलग टॉपिक था, एसिड्स और बेसिस दोनों का टॉपिक था, इसलिए आप पीएच को अलग समझिएगा, इसके साथ मिक्सअप मत कर दीजिएगा। एसिडिक सब्सटेंस रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, आपका एक और आपका आयोन होता है कार्बोनेट, कार्बन से बना होता है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आपका कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये आपका ओलंपियाड के लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला दे देगा आपको HNCO3, HNO3, HNO3, और आपको ऐसे देगा एक्स वाई जेड। बहुत क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, अब पूछेगा उसमें आपको। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं कि ये तो बेसिक ही है और ये तो एसिड है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके अंदर, तो ये याद रखना अगर वहां पर कार्बोनेट नहीं लगा है तो वो ऑप्शन एब्सोल्युटली गलत है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एक एग्जांपल है तो हम बॉक्स एब्सोल्युटली बना के लिखेंगे। सो विच एग्जांपल शुड आई टेक इन बेस, कार्बोनेट आपका इस बेसिक होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। बेस मैंने अभी आपको बोला तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बेस ही होगा, कार्बोनेट आपका बेस होगा, ये याद रखना। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का लेते हैं, Na, माय गॉड दिस इज टू मच बोल्ड, NaCO3। क्या होता है आपका NaCO3, एनी आइडिया? अगेन HCl ही ले लेते हैं हम यहाँ पे, HCl इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका जो लेवल है वो इतना हार्ड ना हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा सोचें कि ये कौन सा एसिडिक है ये कौन सा है। बार बार HCl और एक ही एसिड इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये एक नेचुरल आई एम सेइंग इट इज़ एन मिनरल एसिड, और ये आपका बहुत ही अच्छा एसिड होता है, कोई भी रिएक्शन के अंदर ये आपका काम करता है, बेसिक और एसिडिक जब भी आपका कोई रिएक्शन हो तो बेस्ट एसिड यही होगा। तो ये आपका फॉर्म करेगा एक NaCl, सॉल्ट फॉर्म करेगा ही करेगा। आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर, Na आपका शॉर्ट A होगा, आई हैव रिटन हियर बिगर A, इट विल बी शॉर्ट A। ओके, NaCl प्लस H2O वाटर होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जब कार्बोनेट है तो कौन सा गैस, CO2। सो आपको आपके लिए हम यहाँ पे नेम भी लिख देते हैं, दिस इज सोडियम कार्बोनेट,
और इससे आपको इजी भी होगा क्योंकि NaCl बहुत इजी एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए ध्यान देना, टेंथ में आएगा ही आएगा. सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और दिस इज CO2 गैस. गैस सो लेट अस कम टू एसिड एंड देयर टाइप व्हिच आई एम सेइंग फ्रॉम वन मिनट आई एम सेइंग 10 मिनट्स दैट वी आर गोना डू दिस एसिड एंड देयर टाइप्स. So let us come finally to acid and their type. Give it a beautiful color. So let me give it a beautiful color and let us write it. Acid and their type. तो हम यहाँ पे टेबल बनाने वाले हैं. As you all know कि हम टेबल बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, थोड़ा इजी भी होगा समझने में. और बुक में भी टेबल बनाकर ही दिया है लेकिन उसके अंदर बहुत रिएक्शन दे दिया है जिससे बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाती है NCERT, इसलिए हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे. स्पेस ओके सर, टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर. सब्सटेंस हम यहाँ पे लिखेंगे. एज यू ऑल नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम यहाँ पे सब्सटेंस लिखेंगे और इधर उनके अंदर एसिड प्रेजेंट लिखेंगे. इधर आपका सब्सटेंस एंड हेयर योर एसिड प्रेजेंट. आई नो दिस कलर इज टू मच डार्क कलर, आई एम सेइंग दैट थिकनेस इज टू मच. Let us start. So, पहला ही आपका है ऑरेंज और लेमन, जिससे मैं बोल रहा था कि इसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है. तो आपका पहला ही लिख लेते हैं हम ऑरेंज एंड लेमन. और एनी सिट्रस फूड, कोई भी सिट्रस फूड जो भी इनके फैमिली से रिलेटेड हो सिट्रस फूड के. इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? Citric acid, citric acid and ascorbic. It's ascorbic. Sorry, I have written it wrong. It is ascorbic acid. Ascorbic acid. So again, we are coming to start 3. And this will be second last star 3. You can say second last star question. So the question is that the citric acid is an which type of acid? I'm not giving you any hint. I'm just telling you 10 seconds time. Your time is up, I think. If you have not got the time, please pause the video and write. So the answer is organic acid and naturally occurring acid. Correct. So the second substance is apple. Apple can there be acid? Hota hai. Many students will be wondering. Yes, hota hai. Apple can there be acid? And the acid is malic acid. Malic. बहुत एसिड्स होते हैं हर फ्रूट के अंदर लेकिन हम यहाँ पे सिंपल एसिड्स पढ़ेंगे. और ये सब नेचुरल है तो इनके अंदर कौन से एसिड है? सभी यहाँ पर नेचुरल समान है तो आपके कौन से एसिड्स हैं?
Correct. The acids are organic acid, tamarind. Tamarind जिसे आप इमली भी बोलते हैं, इमली के अलावा भी एक एग्जांपल होता है शायद जो इसका एसिड होता है, ग्रेप हो सकते हैं, लेट मी राइट अ ग्रेप. इन दोनों के अंदर कौन सा एसिड होता है? टैरटैरिक एसिड. आप इसे बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं इनके अंदर वर्ड्स को याद करके. अगर वैसे तो ये ओलंपियाड्स के अंदर ज़्यादातर इसी से क्वेश्चंस एक ही दो आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो ही आएंगे, क्योंकि ये बच्चे रट लेते हैं और ये रटने का टॉपिक हो जाता है फिर. सो दिस इज़ नॉट टू मच फॉर ओलंपियाड. विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होगा? एसिटिक एसिड. नंबर 5, कॉड. कॉड और कॉड मिल्क से बना है, मिल्क प्रोडक्ट. इसके अंदर कौन सा एसिड है? लैक्टोज होता है इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर लैक्टिक एसिड है. लैक्टोज से लैक्टिक एसिड. अब ये शायद इट इज दैट फॉर योर टोमेटो भी होता है आपका, टोमेटो एंड स्पिनिच. और भी लिख लेते हैं टोटल. स्पिनिच ऑक्सैलिक एसिड. Let me increase some space. ये सभी आपके कौन से एग्जाम्पल है एसिड्स के? ऑर्गेनिक एसिड मीन्स नेचुरली अकरिंग एसिड. सो मैं एक बार फिर से ऊपर लिख लेता हूँ. और यहाँ पर sources acids and this the name I have given him wrong here. यहाँ पर acids and their sources होना चाहिए था. And I'm saying from that time type. I have teached you the type. These are the कि sources क्या है, फिर उनके अंदर कौन से acid present है. This is just here. And this is the type of naturally occurring acid, natural acids, which are also organic acid. If you come any doubt from this acid topic, you can ask me in the comment section. The number 7th is your एक टी के अंदर भी एक एसिड होता है. ये आ सकता है क्योंकि थोड़ा अलग हटकर टॉपिक है, टैनिक एसिड. फिर आपका शुगर केन. शुगर केन इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज होता है, तो इसके अंदर ग्लाइसोलिक एसिड. अभी दो एसिड आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये तो कर्ड और ये ग्लूकोज, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड है उसी के नाम से है जो इसके अंदर ज्यादातर पाया जाता है. अब इधर लिख लेते हैं हम
inorganic acid. So, पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द फॉर्मूला इज HCl एंड द सोर्स हियर वी विल बी राइटिंग एसिड एंड हियर द सोर्स. The source is gastric juice. Gastric juice से आपका आता है यानी stomach से hydrochloric acid. Then your red intestine, which is formic acid. लिखा होगा अगर आपके एनसीईआरटी बुक में, इट इज गुड. ये दोनों चीजें अगर नहीं लिखा तो इधर पढ़ लो, फॉर्मिक एसिड विच कम फ्रॉम रेड एंट, ओनली रेड एंट स्टिंग. अदर नेम इज मेथानिक एसिड, मेथोनिक एसिड. अब ब्यूटिफुल नेम, another name is methionic acid. Guys, we have covered more about acid. बस एक और आपका बच रहा है, सब मिनरल एसिड्स और उनके यूजेस. हमने मिनरल एसिड्स तो पढ़ लिए, बस इनके थोड़ी यूजेस हैं. फिर एक्वा रीजिया है और उसके बाद आपका ये एसिड कंप्लीट है. बट व्हाट आई वांट टू से यू ऑल इज दैट कि आपने ये पढ़ लिया बट आपको इसे मेमोराइज करना है, बिकॉज द टॉपिक विच आर लर्निंग is enough for today because video long ho rahi hogi, I know, and many of you will not watch the video, so that's I will say you all, that's all for today, and thanking to you all guys to be here. Please write hooray if you have been till here. Till then, bye, have a good day.